अच्छा बुर्जू, ये भी अच्छा लगेगा ना मुझ पर? बिल्कुल बिल्कुल। बताओ जरा, ये कैसे लग रहे हैं मुझ पर? थोड़ी देर पहले भी तो कहा था, जबरदस्त लग रहे हैं ये। वैसे तुमसे एक काम है मुझे। नाम क्या है तुम्हारा? नाम भी पहले बता चुकी हूँ, बुर्जू। अच्छा बुर्जू, शो खत्म हो जाने के बाद, मतलब जब सब यहाँ से चले जाएंगे, क्या सारकान से मेरी अकेले में मुलाकात करा सकती हो? वजह? अच्छी तरह समझती हो तुम। नहीं नहीं समझी मैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ, वो तुम्हारे गालों को पतला कर देगी, बिल्कुल हीरोइंस की तरह। बल्कि मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दिलवा सकती हूँ, इस तरह से तुम्हारा काम आधी कीमत में हो जाएगा। बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? एक मिनट, मुझे कहीं जाना है, अभी आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। सुन रहे हो तुम? तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हारी वजह से ऐसी हो गई हूँ मैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें मेरे जज्बात की जरा भी परवाह नहीं। हाँ हाँ, अंदाजा भी है तुमने क्या किया है मेरे साथ? गुस्ताख, मगरूर, बिगड़े हुए। हाँ, बिगड़े हुए वो लड़के हो जिसे किसी की परवाह नहीं। हाँ बुर्जू, किस पर इतना गुस्सा कर रही हो? वो उन लड़कियों ने मेरी सब्र खत्म कर दी थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बर्दाश्त करो, थोड़ा सब्र से काम लो, बस चंद घंटे और हैं, फिर वो चली जाएंगी। ठीक है, ठीक है ना? देखो निजात भी नहीं आ रहा, अब सिर्फ हम ही बचे हैं। मैं फोटोग्राफी चेक कर लेता हूँ और बाकी का सब तुम संभाल लेना। फिक्र मत करें आप, चलो इसी बात पर गले लग जाओ। शाबाश, जबरदस्त, बहुत अच्छे, संभालो खुद को, चलो अब अपने काम पर लग जाओ। शाबाश। मैं आपको बहुत याद करती हूँ। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरी जान। ओह, देखो मेरी प्यारी बेटी आई है। क्या सारा प्यार आज ही कर लोगे? मेरी दुनिया हो तुम, तुम्हें देख के सुकून आ गया मुझे। ओह, सोना अम्मी ने जब दरवाजा खोला तो वो चीख पड़ी थी। वाकई? हाँ ऐसा ही है। अंदर चले क्या? जी चलिए। शुक्रिया। वो घर लौटकर आने का मुंतजर था। वो अपनी माँ से ये कहकर फख्र महसूस कर रहा था। वो अब ऑक्टोपस बनने पर थकता नहीं। कहानी खत्म। वैसे ये कहानी कितनी अच्छी थी ना? मुझे भी बहुत अच्छी लगी। काश मैं भी यहाँ पे रहकर आपको गले लगाकर सो सकती। हम तुम्हारी अम्मी से पूछेंगे, क्या पता अगली बार वो रुकने दे। लेकिन मैं तो अपने ही घर में नहीं रुक सकती, की भी कोई बात हुई भला। तुम बहुत जल्द यहाँ वापस आ जाओगी। मुझे वो नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ सोना अम्मी मेरी अम्मी बन जाए। ऐसा ही होगा मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। भले ही मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी सोना अम्मी रहूंगी। मुझे हर वक्त तुम्हारी याद आती रहती है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बेटा माहिरा, चलो देर हो रही है हमें, हैरी से भी मिलती जाओ। चलो आ जाओ माहिरा। मैं हैरी अंकल को खुदा हाफिज बोल के दरवाजे पे आती हूँ। ठीक है।
आज के लिए शुक्रिया तुम्हारा। माहिरा तुम्हें याद कर रही थी इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आई। काश हमें ऐसे मजीद दिन मिले। खैर अब जाना होगा हमें। सारा दिन खड़े रहकर मेरे पांव सूज गए हैं। ये तो है, लेकिन हमने कमाल कर दिया बुर्जू। अगर हमने कंपनी को बचा लिया तो तुम्हारा सैलरी जितना बोनस पक्का। पहले मेरी सैलरी तो दे दे, बोनस तो बाद की बात है। हेलो, सब लोग चले गए हैं। हमें बहुत अच्छी ऑफर्स मिली हैं। निजात साहब से फौरन बात करेंगे। अभी करते हैं। ये कर दिया। बहुत शुक्रिया। ये लो पियो। सारकान, सब कुछ कैसा रहा? बहुत थक चुके हैं, लेकिन सिला मिल गया। निजात साहब, हमें काफी अच्छी ऑफर्स मिली हैं। अगर आप चाहें तो मैं अभी बता सकता हूँ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। सबसे बेहतरीन ऑफर U3 ग्रुप की है। उनकी क्या शर्त है? 51% शेयर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चेयरमैनशिप और फैसले का इख्तियार। ज्यादा है ये बहुत। मगर ये हमारे शेयर्स की बहुत अच्छी कीमत दे रहे हैं। फिर भी उनकी शराइत बहुत ज्यादा है। निजात, ठीक है, कबूल कर लो और दस्तखत कर दो। जी ठीक है निजात साहब। भाई तुम ठीक तो हो ना? कोई और ऑप्शन है क्या हमारे पास? सही कहा आपने। खुदा आसानी करे दोस्त, शुक्रिया। चलो ठीक है। क्या हुआ? एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप के लिए रजामंदी दी है। देखा, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा और आइलैंड भी मान जाएगी। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। उम्मीद है ऐसा ही हो। आइलिन, माहिरा कहाँ है? माहिरा स्कूल में है, मैं अकेली आई हूँ। हाँ, क्या हुआ, वो कुछ भूल गई थी? नहीं नहीं, मैं तुमसे बात करने आई हूँ यहाँ। अच्छा ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। शुक्रिया। मुबारक हो, ये लीजिए। सीईओ कौन है आप लोगों का? आप में से कोई? हम में से कोई नहीं है, लेकिन जल्द आपकी मुलाकात हो जाएगी उनसे। बस थोड़ी देर इंतजार कर लें। मुझे उम्मीद है आपको उनसे मिलकर बेहद खुशी होगी। ये नहीं सीओ हांडे साहिबा। सलाम। सच कहूं तो माहिरा के साथ जिस तरह वक्त गुजारने का सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। अगर हम सब एक घर में रह रहे होते तो शायद ये सब आसान होता, मगर निजात को उससे दूर करने पर मुझसे नफरत करने लगी है वो, और इसीलिए मैंने फैसला किया है। माहिरा चाहे तो वो रह सकती है यहाँ पर। क्या सच कह रही हो तुम? बदकिस्मती से आप जबरदस्ती किसी को रहने पर मजबूर नहीं कर सकते। मैं माहिरा की माँ हूँ और ये चाहती हूँ कि वो मुझे माँ के रूप में कबूल करे। सोना,
अब चाहे वो वहां पर रहे या फिर यहां पर, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसको करीब लाना चाहती हूँ अपने। मगर जब तक तुम यहां पर हो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, ये जानती हो तुम। और जो मैंने कहा है वो एक ही सूरत में मुमकिन हो सकता है, तुम्हारे यहां से जाने से। मतलब मेरे जाने से? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं सोना। अगर तुम कुछ अरसे के लिए इस घर और माहिरा से दूर चली जाओ तो मुझे उसके करीब होने का मौका मिल जाएगा। और फिर मुझे इसके लिए निजात से भी दूर रहना पड़ेगा, यही बात है ना? मैं तुमसे निजात की बात नहीं कर रही सोना। तुम दोनों के रिश्ते के दरमियान नहीं आना चाहती मैं, लेकिन अगर इस दौरान तुम एक दूसरे से फासला रखो तो अच्छा रहेगा। तुम वाकई में संजीदा हो। हाँ, मजबूर हूँ मैं। माहिरा की नजरों में मैं वो माँ हूँ जो उसे छोड़कर चली गई थी, और अभी भी उसके बाप से उसे दूर कर रही हूँ मैं। मैंने जो गलतियाँ की हैं उन्हें सुधारना चाहती हूँ मैं। यानी जो गलती तुमने की वो मुझे भुगतनी पड़ेगी? तुमने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया। माहिरा को तुम्हारे खिलाफ किसी ने नहीं भड़काया, बल्कि मैंने तो निजात को समझाया कि वो तुम्हें माहिरा से मिलने दे, और तुम मुझसे क्या मांग रही हो अंदाजा है? मुझे नहीं लगता जो मैं मांग रही हूँ वो गलत है सोना। सोना, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मुझसे प्यार करे, हम एक साथ रहने लगे, मैं चाहती हूँ मुझे समझने लगे वो। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जब तक तुम उसकी तस्वीरों में मौजूद हो ऐसा होना नामुमकिन है। जब निजात को ये बात पता चलेगी तो तुम्हें अंदाजा है कि वो क्या करेगा? इस बारे में भी सोच लिया है। वो चीखेगा, चिल्लाएगा, पागल हो जाएगा। मगर एक बात तो तय है, कुछ अरसे बाद वो यही कहेगा कि काश सोना ने ये बात मान ली होती। ऐसा मत करो सोना, हम दोनों जानते हैं कि निजात माहिरा से कितना प्यार करता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं निजात के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ? क्या हुआ, माहिरा के जाने के बाद वो कैसे कंपनी को बचाने के लिए अंथक मेहनत कर रहा था या नहीं? मगर मेहनत करने की ये वजह नहीं थी, अपने दुखों का सामना करने से घबरा रहा था वो, क्योंकि वो जानता है अगर माहिरा उसके हाथ से चली गई तो वो टूट जाएगा। मगर ये एहसास जागने में उसे वक्त लगेगा। क्या लगता है तुम्हें, हफ्ते में दो बार माहिरा से मिलना क्या उसके लिए काफी रहेगा? वो पागल हो जाएगा सोना, फिर उसका गुस्सा निकलकर बाहर आने लगेगा, और इस वजह से वो सब तबाह कर देगा, और शायद अपने आप को भी। तुम अपना फायदा सोचे बगैर भी माहिरा को निजात से मिलने दे सकती थी, फिर ना कोई तुमसे नफरत करता और माहिरा भी तुमसे प्यार करने लगती। मगर तुम्हारा मसला ये नहीं है आयलन, तुम निजात को मुझसे शादी करता नहीं देख सकती। नहीं सोना, तुम गलत हो, तुम समझ नहीं रही। मेरा मसला निजात और तुम्हारी शादी नहीं है, बल्कि शादी के बाद माहिरा मुझे पूरी तरह छोड़ देगी। झूठ बोल रही हो तुम। तुम यकीन करो या ना करो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। अगर तुम्हें निजात और माहिरा की इतनी ही परवाह है तो तुम उन्हें परेशानी में नहीं डालना चाहोगी। और हाँ, मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि ये गुफ्तगू हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। और अगर निजात को इस बारे में जरा सा भी मालूम हुआ तो मेरी ऑफर वहीं पर खत्म हो जाएगी, और निजात अपनी बेटी से अभी जितना मिल रहा है वो भी नहीं मिल सकेगा। फैसला तुम्हारा है। ये सब क्या है? कुछ समझा नहीं निजात साहब, क्या कोई मसला है? क्या मतलब कोई मसला है, यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? मैं बात क्लियर कर देती हूँ, मैं इनकी साहब का पार्टनर थी, हमारे दरमियान कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई थी। लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। आप लोग जा सकते हैं, आके मैं देख लूंगी। ठीक है हांदे साहिबा, आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज, मिलते हैं बाद में। हांदे, ये सब क्या हो रहा है? अच्छा ही हो रहा है जो हो रहा है। जो खतरा माहिरा क्लासेस को था वो टल चुका है, बचा लिया है मैंने। ये तुम कह रही हो? बेवकूफ समझ रखा है हमें, पहले तुमने हमसे हमारे क्लाइंट छीने और अब माहिरा क्लासेस छीनना चाहती हो? ये एग्रीमेंट मैं अभी मंसूख करता हूँ, निकल जाओ यहाँ से। अब मुमकिन नहीं निजात साहब, ये करना मुश्किल हो जाएगा। अग्रीमेंट मंसूख करने की सूरत में भारी जुर्माना देना होगा। मुझे कोई परवाह नहीं इस सब की, मुझे नहीं करना। निजात, तहम्मुल से काम लो, गुजारिश करती हूँ, जज्बात में आकर कोई गलत फैसला ना कर बैठो। मैं अभी अपने कमरे में जा रही हूँ, जब बात हो जाए तो बुला लीजिएगा। हांदे साहिबा, अब आप सीईओ बन गई हैं, क्या आपको सबसे बड़ा कमरा नहीं मिलना चाहिए निजात साहब वाला? पहले इस सदमे से तो बाहर आ जाए, फिर देखते हैं। मैं इस एग्रीमेंट को किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा, फौरन इसे कैंसिल करवाओ जैन। निजात साहब,
इस सूरत में आपको काफी भारी रकम अदा करना पड़ेगी। माहिरा ग्लासेस का दिवालिया हो सकता है। तुमने ये धोखा कैसे खा लिया जैम? तुम कैसे नहीं समझ पाए? एग्रीमेंट बनाते वक्त क्या तुम्हें इस बात का जरा अंदाजा नहीं हुआ? हांदी साहिबा के बारे में मुझे नहीं मालूम था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। U3 ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? तुम्हें नहीं पता? जानने की कोशिश भी नहीं की? ये बहुत बड़ा ग्रुप है जो ज्यादातर प्रोफेशनल्स के साथ काम करता है। मैं पूरे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के बारे में नहीं जानता। पता लगाओ, हम तक पहुंचना किसका आइडिया था, मुझे जानना है ये। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, ढूंढो। सारकान, मैं जा रहा हूं। जब तक वो औरत यहां है मैं नहीं रुक सकता, वरना कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगा मैं। मैं इस बात को जाने नहीं दूंगा, बेफिक्र रहो तुम। जो सुना क्या वो सच है? हाँ सच है। दोबारा वहीं आ गए जहां से शुरुआत की थी। कॉल उठा लूं जरा। ठीक है, फिर मैं जाकर अपना काम देखती हूँ। हेलो। हाँ हेलो हांदे, कैसे रहा सब कुछ? जैसे सोचा था हमने। जबरदस्त, तो फिर मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारी बदौलत हुआ। हांदे, बात निकली है तो ये बताओ कि कहीं निजात को मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चला ना? जो हमारे दरमियान तय हुआ याद है मुझे। ठीक है, अगर निजात को पता चलता है कि शेयर्स किसने खरीदे हैं तो उसे मेरे बारे में भी खुद ब खुद पता चल जाएगा। हमें इसका फायदा उठाना होगा। निजात को मेरे बारे में अभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? परेशान ना हो बिल्कुल भी, वो यहाँ इतना रुकने ही नहीं वाला तो क्या जान पाएगा तुम्हारे बारे में। बाबा, मुझे कमरे की सफाई करनी है। अच्छा बेटा, बस एक मिनट। आ जाओ बेटा, आ जाओ अंदर, आ जाओ। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अभी कर लेती हूँ। संभल कर मेरे भाई, बेटा। देहान से ग्राम मत देना। ऐसा करो, इसे वहां ले जाओ। रिफत बाबा, क्या हो रहा है बेटे, क्या है ये? बाबा, जिंदगी में पहली बार मुझे अपना जाती कमरा मिला है, इससे मैं अपने ख्वाब पूरे कर रहा हूँ। ये टीवी है और वो गेम कंसोल। तुम्हारा ये ख्वाब है रिफत? इतने बड़े हो चुके हो, कम से कम कोई ढंग की चीज तो सोचो। तो क्या हुआ बाबा, हम स्पोर्ट्स भी तो करते हैं, अब हम इसमें मैच खेला करेंगे, आप देखते जाएं। रिफत भाई, हाँ। कमरा तो सामान से भरा हुआ है, उसे कहाँ रखना है? उसने अभी तक कमरा खाली क्यों नहीं किया है? चेहरो, मैं देखता हूँ, कोई काम नहीं कर सकती। क्या हो रहा है? उफ़ अल्लाह। ध्यान से। क्या? छोड़ो मेरी चीजें, छोड़ इसको, हाथ मत लगाना। मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों मार रही हैं? क्या तुम भूल गई, तुम शर्त हार गई थी, कमरा क्यों नहीं खाली किया? हाँ माना कि मैं शर्त हार गई थी, तो मैं लड़की हूँ, मुझे इस कमरे की जरूरत है, तुमसे ज्यादा मुझे जरूरत है, जाने दोनों रिफत। देखो तुम वादा खिलाफी कर रही हो, और तुम्हें ज्यादा जरूरत कैसे है कमरे की, आसानी से रात रात भर मैसेज कर सको किसी को। अच्छा अब समझ आया मुझे कि कमरा तुम्हारा मसला नहीं है। क्या हो गया मेरे बच्चों, क्यों शोर मचा रखा है? बाबा सानिया शर्त हार गई थी, लेकिन अब ये कमरा खाली नहीं कर रही है। बाबा आप ही बताएं, मैं अपना कमरा क्यों छोड़ूं जिसमें मैं सालों से रह रही हूँ? वो तो बस मैंने एक बेवकूफी की वजह से शर्त लगा ली थी। ठीक है बस कर जाओ, चुप हो जाओ, मेरे सर में वैसे ही दर्द हो रहा है। सानिया बेटे, तुम्हें कमरा छोड़ने की जरूरत नहीं है। रिफत, तुम मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ और कोई बहस नहीं अब। बाबा सच में आप इसको अपना कमरा दे देंगे तो आप कहाँ रहेंगे फिर? सामान उठा कर लाओ मेरे दोस्त, बाबा के कमरे का रुख करो। तुम क्या कर रहे हो रिफत, तुम्हें बाबा का एहसास नहीं कि वो कहाँ सोएंगे? बस ठीक है सानिया, मुझे कोई कमरा नहीं चाहिए। अच्छा मैं नीचे गार्डन में जा रहा हूँ। तुम्हें खुदा का वास्ता है, इसे बहुत ध्यान से खोलना। रिफत भाई ये कमरा बहुत ही अच्छा है। अब ये वैक्यूम क्लीनर यहाँ पर क्या कर रहा है? सानिया
इसे यहाँ से लेकर जाओ। जी जनाब, अभी आई मैं। कैसे बेशरम इंसान हो तुम, अपना कमरा लेने के चक्कर में तुमने बाबा को कमरे से निकाल दिया। अब वो कहाँ सोएंगे बताओगे जरा? कोई बात नहीं, वो बाहर सो जाएंगे। अगर वहाँ नहीं तो किसी होटल चले जाएंगे, क्या मालूम कि उन्हें कोई बुला ले अपने पास। वाकई मतलब परस्त हो, अपने पाप का भी लिहाज नहीं किया। अब इसमें क्या है, चलो चलो मेरे दोस्त, अब मुझे गेम कंसोल दो। सफर तो करो, तुम ये सब कुछ गिरा दोगे। उफ, चलो सेट करते हैं, लाओ मुझे दो। मैं इसे उठा के कहीं महफूज जगह पे रख देती हूँ ताकि गिरे ना। चलो चलो निकलो यहाँ से। केबल कहाँ गई इसकी? हाँ ये रही, आओ इसे लगाते हैं। मेरे घोड़े से उतरे मॉन्स्टर बाबा। मैं नहीं उतरूंगा, तुम मुझे मार ही नहीं सकती। बस करो, तुम किस तरह की माहिरा मॉन्स्टर हो, क्या तुम कभी थकती नहीं हो? सोनो मेरी मदद करो। पकड़ के रहूंगी मैं आपको। मॉन्स्टर बहुत थक गया है, मत आना, मत आना मेरे पास, मत आना। भाग रहे हैं, रुक जाएं, मुझसे नहीं बच सकते आप, रुक जाएं। तुम मेरे पास मत आना, मैं बहुत थक गया हूँ। रुके, नीचे झुक जाएं। ठीक है, मैं हार मानता हूँ, मुझे बस 5 मिनट का ब्रेक दे दो प्लीज। ठीक है, मैं अपने 5 मिनट का ब्रेक लेने का हक इस्तेमाल करता हूँ। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, जब तक मैं अपना मिशन पूरा कर लूँ तब तक आप भाग जाएं यहाँ से। हाँ भाई, हाँ मैं भाग ही जाऊँ। तुम्हारा दूसरा मिशन क्या है? हैरी अंकल का बनाया हुआ मिल्क शेक लेकर आना। मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ भागो। हैरी अंकल तैयार हो जाए, मैं आ रही हूँ। तुमने देखा, हमारी माहिरा थोड़ी लंबी हो गई है। पूछो मत, दिन ब दिन लंबी होती जा रही है, काश वो कभी बड़ी ही ना होती। क्या मतलब? अल्लाह हमारी बेटी को सेहत और आफियत के साथ बड़ा करे, बड़ी होगी तो उसे भी कोई निजात मिलेगा ना। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तैयार हो जाओ, वो दिन भी आना ही है। मैं क्यों तैयार हो जाऊँ, ऐसी बातें मत करो। हाँ तो मिल्क शेक तैयार है। मेरी नरम दिल हीरो, ये आपके लिए, ये इसलिए ताकि आपके अंदर एनर्जी आ जाए, इसीलिए मैं आपके लिए मिल्क शेक ले आई। शाबाश मेरी बेटी, वाह। मेरी बेटी अपने बाबा के अलावा किसी के पीछे नहीं जाएगी। इसका क्या मतलब? तुम्हारे बाबा को फिक्र हो रही है कि कहीं बड़े होकर तुम अपने बाबा को ना छोड़ दो। बाबा मैं किसी के पीछे नहीं जाऊंगी, वैसे भी मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं। मेरी प्यारी बेटी, इसे अपने बाबा का कितना एहसास है। हाँ मुस्तकबिल में शादी कर सकती हो तुम उससे, यानी मुस्तकबिल में, बहुत आगे जाके, मेरा मतलब बहुत आगे जाके मुस्तकबिल में। फिर हम तुम्हारे दूल्हे को भी यहाँ इसी घर में ले आएंगे, ठीक है? क्योंकि अगर तुम चली गई तो मैं जी नहीं सकूंगा। बाबा, मेरी बेटी। चलो सुनो, तुम भी चलो। नहीं। क्यों? मुझे किताब पढ़नी है। अच्छा भाई ठीक है, चलो 1 2 3 भागो। बाबा अब तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। निजात क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? हमने इतने पापड़ बेले, फैशन शो किया, हमने एक पार्टनर ढूंढ लिया, और जब सब ठीक होने लगा तो पता है हमारे साथ क्या हुआ? पता है हमारी सारी मेहनत का फायदा कैसे हुआ? सोचते हुए भी डर लग रहा है। हांदे हमारे सर पर बॉस बनकर नाजिल हो गई है। क्या मतलब, सच कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? जिस कंपनी ने हमारे साथ पार्टनरशिप की उसने हांदे को CEO मुंतखब किया है। मुझसे ऐसी संगीन गलती कैसे सरजद हो गई, मैं कैसे धोखा खा गया? तो पीछे नहीं हट सकते तुम, कॉन्ट्रैक्ट मनसूख नहीं हो सकता? अगर ये सब इतना आसान होता तो कब का कर चुका होता ये सब कुछ। मैं खुद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन शराइत इतनी सख्त है कि हम फंस गए हैं, हम अपनी मर्जी से हांदे के जाल में फंस गए। तो इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है? नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। इस वक्त सारकान ही ऑफिस में बैठकर हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहा है, मैं तो गुस्से में बाहर निकल आया वहां से। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मैं भी पता लगा कर रहूंगा कि इसके पीछे किसका हाथ है, बल्कि शायद लगा भी लिया होता, लेकिन मेरा ध्यान माहिरा में था, मैंने सारा मामला किसी और के हाथ में सौंप दिया, जेम को सौंप दिया, और नतीजा हमारे सामने है। मुझे खुद ही सब देखना चाहिए था। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है निजात, तुम तो अपनी बेटी का सोच रहे थे बस। मुझे क्या पता था सोना ये सब हो जाएगा, मैंने अपनी बेटी और कंपनी दोनों को खो दिया, और वो भी ठीक उस वक्त जब मुझे फाइनेंशियली सबसे ज्यादा मजबूत होने की जरूरत थी। और अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करके इसका जुर्माना अदा करता हूं तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा।
माहिरा को वापस पाना मेरे लिए ख्वाब बन जाएगा। नहीं निजात, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। कंपनी के 49% शेयर्स अभी भी तुम्हारे पास हैं, और बाकी के शेयर्स खरीदने का भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। हम लड़ेंगे, जीत जाएंगे। तुमने माहिरा को नहीं खोया, तुम इतना जल्दी हार नहीं मान सकते। तुम्हें माहिरा के लिए मजबूत होना होगा। मुझे मजबूत होना होगा, यही ना? हाँ, मुझे मजबूत होना होगा, और इसके लिए हमें कुछ करना होगा। मिसाल के तौर पे यह दिखाने के लिए कि माहिरा कोई खुशगवार घरेलू माहौल मयसर है, हमें फौरी तौर पर शादी करनी होगी। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई मसला तो नहीं है ना? कोई मसला नहीं। मैंने थोड़ी जल्दी कर दी, शायद जब भी तुम मेरी बात सुनो। समाध का दिन आने तक अभी भी हमारे पास 1 महीना बाकी है। ये नहीं कह रहा कि कल ही शादी कर लें। मेरा तुमसे वादा है, हमारी शादी वैसी होगी जिसका तुमने ख्वाब देखा, जिसकी तुम हकदार हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। अगर तुम्हें निजात और माहिरा की इतनी ही परवाह है तो तुम उन्हें परेशानी में नहीं डालना चाहोगी। और हाँ, मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि ये गुफ्तगू हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। और अगर निजात को इस बारे में जरा सा भी मालूम हुआ तो मेरी ऑफर वहीं पर खत्म हो जाएगी, और निजात अपनी बेटी से अभी जितना मिल रहा है वो भी नहीं मिल सकेगा। फैसला तुम्हारा है, तुम जो चाहोगे वही होगा। क्या तुम्हें यकीन है कि कोई मसला नहीं है? हाँ, कोई मसला नहीं है, बस थोड़ा अफसोस हो रहा है कंपनी के हालात जानने के बाद। ठीक है। बाबा काफी दिनों से तुम्हें याद कर रहे हैं, शाम को उनसे मिलने चलते हैं, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। और ये बॉल गई मेसी के पास। मेसी 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 लाइन के करीब पहुंच रहा है मेसी, और उसने बॉल को हिट किया और यह हो गया गोल। रिफत भाई, एक गोल आपने यहां पर भी कर दिया। अरे ये कैसे टूट गया मुझसे? सानिया, यहाँ कुछ टूट गया है, जल्दी आओ। अब क्या हो गया? हद हो गई रिफत, हद हो गई। तोड़ दिया तुमने आखिरकार, अब खुश हो? ठीक है, ज्यादा शोर मत करो, मैं खुद उठा लूंगा। उंगली कट गई मेरी। पता था मुझे। अब रुको तुम जरा, मैं सफाई कर लेती हूँ, तुम तो रहने ही दो, किसी काम के नहीं हो। बस काम खराब ही करना होता है ऐसे। ये क्या है? रिफत भाई, आप ठीक तो हैं? रात काफी हो गई है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। ठीक है भाई, खुदा हाफिज़। हाँ ये लो पकड़ो। क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम इतने बड़े हो गए फिर भी बच्चों वाली हरकतें करने से बाज नहीं आए। जो करना है करो, मैं तो तंग ही आ गई उसकी हरकतों से। अल्लाह अल्लाह। हम लोग घर पहुंच गए। पहले हम सामान बाहर निकाल लें, फिर हम अंदर चलते हैं, ठीक है? बाबा, मेरे बाबा आ गए। माहिरा, माहिरा क्या कर रही हो तुम? रुको। मुझे क्या पता था, मैं समझी बाबा आए हैं। मगर तुम्हारे बाबा की गाड़ी नहीं है वो। चलो आ जाओ, चलें। क्या हम दोबारा से बाबा से मिलने जाएंगे? हाँ जरूर जाएंगे, मगर हम अभी तो वहां से आए हैं। ठीक है, चलो हम जरा अपना सामान निकाल लें, फिर चलते हैं। निजात, हैरी कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आ रहे। हैरी कहाँ है? उसे कुछ काम था, कुछ ऐसा ही कह रहा था, मुझे ठीक से याद नहीं। हाँ चलो मेरी प्यारी बेटी, अब सीट बेल्ट बांध लो। एक पल को ऐसा लगा वो पीछे बैठी हो। मैं बाबा को बता देती हूँ कि हम आ रहे हैं।
हेलो बेटा। बाबा मैं और निजात आपसे मिलने आ रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा आ जाओ। अच्छा आप मार्केट मत जाइएगा, हम सामान ले आएंगे। ठीक है बेटा, हम इंतजार कर रहे हैं, तुम आ जाओ। निजात क्या हो गया, थोड़ा आराम से। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा परेशान हूं। कोई बात नहीं बेटे, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो यही करता। हमारे बचपन में भी बाबा इसी तरह से ही परेशान घर वापस आते थे। अरे नहीं भाई, ये तो कुछ भी बोलती रहती है जो इसके दिल में आए। हाँ तुम्हें याद है? कैसे याद नहीं होगा, घर आकर ये सारे पैसे हम लोगों में बांट दिया करते थे और कहते थे कि ये तुम लोगों की एडवांस ही दी है, और पैसे जेब में डाल देते थे और हम भी वो पैसे संभाल कर रख लेते थे। फिर अगले दिन ही गार्डन में हमारे पीछे भागते हुए कहते थे मेरे पैसे कहाँ चले गए। हमें तो देख के हंसी आती थी। सबसे ज्यादा पैसे रिफत संभाल के रखता था और याद है चीजों में पैसे उड़ा देता था। हाँ, और उसे खूब मार पड़ी थी अगर तुम्हें याद हो तो। कितना अच्छा है ना कि आप लोग सब एक साथ हैं। सानिया बेटी, चलो शाबाश, मिस साफ करो, फिर कोई गेम खेलते हैं। क्यों भाई, क्या ख्याल है तुम्हारा निजात? जी ठीक है, चलो टेबल साफ करते हैं। बस कर दे अम्मी, बहुत हो गया। बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, रुको तो सही। प्लीज अकेला छोड़ दे मुझे। अरे बेटा तुम मेरी एक बात नहीं सुनते। बात सुनो लड़के, क्यों तंग कर रहे हो अम्मी को? क्या देखो, अपनी माँ की कदर करो, वो तुम्हारे पीछे भागी आ रही है, ऐसे कौन परेशान करता है। मेरे बेटे को क्यों तंग कर रहे हो, छोड़ दो इसे। ऐसी बात नहीं है मोहतरमा, मैं तो बस। खबरदार जो आइंदा मेरे बेटे से बात की। मुझे माफ कर दे। और नहीं तो क्या, अपने बच्चों की हिफाजत माँ ही तो करती हैं।